नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सीरीज को। पाटलिपुत्र की सीट राम कृपाल यादव ने जीत ली है। मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी चुनाव हार गई। अभी अभी पाटलिपुत्र का रिजल्ट चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है। मीसा भारती को मात्र 374,377 मत मिले, जबकि राम कृपाल यादव को 413,044 मत मिले। तो इस तरीके से करीब 39,000 मतों से राम कृपाल यादव चुनाव जीत गए हैं। आपको पता है कि शुरुआती रुझान में मीसा भारती आगे चल रही थी, इस कारण लालू फैमिली की पूरी उम्मीद पाटलिपुत्र पर टिकी थी, लेकिन आखिर आते आते मीसा भारती भी चुनाव हार गई और बिहार में राजद का सफाया हो गया। राजद को कोई सीट नहीं, सिर्फ एक सीट महागठबंधन को कांग्रेस की एक सीट मिली है किशनगंज में, जहां मोहम्मद जावेद चुनाव जीते हैं। अब आने वाला समय बहुत बड़ा कठिन समय है लालू फैमिली के लिए। लालू खुद जेल में है, रिम्स में इलाज करा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है। तेजस्वी यादव कतई नेतृत्व को नहीं संभाल पाए हैं। मीसा भारती भी चुनाव हार गई। सिर्फ मीसा भारती का इलेक्शन था जहां पूरा परिवार एकजुट दिख रहा था, जहां तेजस्वी भी प्रचार कर रहे थे, राबड़ी देवी भी प्रचार कर रही थी, तेज प्रताप यादव भी प्रचार कर रहे थे, लेकिन मीसा भारती चुनाव हार गई, नहीं जीत पाई पाटलिपुत्र की लड़ाई को। राम कृपाल यादव फिर से पहुंच गए हैं सदन में, संसद में, और जैसा राम कृपाल यादव कह रहे थे कि जीतेंगे पाटलिपुत्र तो वे ही जीतेंगे, और उन्होंने चुनाव जीत लिया है। पाटलिपुत्र का रिजल्ट अभी अभी डिक्लेयर हुआ है। मीसा भारती चुनाव हार गई है, राम कृपाल यादव चुनाव जीत गए हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को।